उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एस आनंद पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व क्रियाशील व चिन्हित किए गए अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान से अंतर्गत श्री संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं मस्सा सिंह क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में थाना अल्लागंज श्री प्रदीप सहरावत के नेतृत्व में थाना अल्लागंज पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। वहीं दिनांक 8 दिसंबर 2021 की सुबह को थाना अल्लागंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मंझा पश्चिमी को जाने वाले रास्ते से जिला बदर अपराधी संतोष गुप्ता उर्फ कटरी पुत्र राम नरेश थाना अल्लागंज जनपद शाहजहांपुर को अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर में एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। वहीं इस संबंध में थाना अल्लागंज पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। 8/12/21 को सुबह थाना अल्लागंज की पुलिस टीम द्वारा मंझा पश्चिमी को जाने वाले रास्ते से जिला बदर अपराधी संतोष गुप्ता को अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर में एक अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना अल्लागंज पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट के अनुसार विधिक कार्रवाई की गई है। अखंड भारत न्यूज के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में आज दिनांक 9 दिसंबर 2021 से जनपद शाहजहांपुर के यदुनाथ स्टेडियम में 2 दिवसीय 70 अंतर जनपदीय बरेली जोन पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रतियोगिता का शुभारंभ एस आनंद पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा फीता काट कर किया गया। वहीं यह प्रतियोगिता 10 दिसंबर 2021 तक चलेगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रतियोगिता में कुल 8 मैच खेले जाएंगे। वहीं इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा समस्त प्रतियोगी टीमों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। वहीं मैच शुरू होने से पूर्व सभी टीमों द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदों से था हमारा पर पीएसी बैंड की धुन पर भव्य परेड मार्च किया गया। वहीं इस दौरान श्री संजय कुमार पुलिस अधीक्षक नगर, श्री संजीव कुमार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।